तो हमने पावर बी आई का डेटा अभी लोड किया है, अब हम बात करने जा रहे हैं कैलकुलेशन के ऊपर। तो लास्ट क्लासेस में हमने बताया था कि किस तरीके से हम डिस्कस करते हैं अपने इसके ऊपर, जो हमारा चार्ट वगैरह हम कैसे लगाते हैं, कैसे डेटा लगाते हैं, ये चीज़ों पे हमने डिस्कस किया, इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते थे, अभी तो मैंने एक दो चीज़ों पर ही बताई थी। बट इसको करने से पहले हमें इसकी कैलकुलेशन वाला पार्ट खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फिर हम अपना विजुलाइजेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू पर आवर है, कॉल्स है, एक्सलेंट है, गुड है, फेयर है, ये सब चीज़ें दिख रहा है आपको। अब मुझे टोटल 111 कॉल्स की हुआ है और इसका रेशो परसेंटेज है, पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, ये सब दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ ना सर। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें कुछ करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे इसमें ये पता है कि डेट हमारा है, तो मुझे यहाँ पे जो टोटल चाहिए वो मंथ के हिसाब से चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखिए जो डेट है, इस डेट को डेट नहीं टेक्स्ट समझ रहा है, अभी तो डेट का फॉर्मेट नहीं है। ऊपर टाइप पे जाइए, मॉडलिंग भी हमने टाइप पे गया, देखा टेक्स्ट था, इसको क्या है कि इसमें हम डेट एंड टाइम पे कन्वर्ट कर देते हैं, और इसको यस करते हैं, तो ये डेट एंड टाइम में कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि मैं अगर यहां पे सेल्स डेट को रखता हूं, मान लीजिए यहां पे सेल्स डेट होगा आपका करेंट में, और फिर मैं यहां पे इसकी टोटल सेल्स को रखता हूं, तो इस पे आप देख रहे हैं कि ईयरली रिपोर्ट बन रही है। फिर मैं यहां से ड्रिल डाउन करता हूं, तो ये हमारा यहां से ड्रिल डाउन करता हूं, तो यहां से क्वार्टरली, क्वार्टरली से मंथली, दिख रहा है ना सर आपको, मंथली से डे के हिसाब से इसको क्लिक किया। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये फीचर वर्क ना करे, हम मंथली रिपोर्ट चाहते हैं, हम मंथली रिपोर्ट चाहते हैं, लेकिन ये नीचे ड्रिल डाउन करना नहीं चाहते, राइट सर। तो यहां पे हम कैलकुलेशन एक नया कॉलम को ऐड करेंगे, और यहां पे हम कैलकुलेशन का टॉपिक यहां पे देता हूं मंथ। अब 2 साल का डेटा है तो सिर्फ मंथ से काम नहीं करेगा, मंथ और ईयर दोनों देना पड़ेगा, ईयर। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट का फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मेट में हमने सेल्स डेट को लिया, और यहाँ पे हम एम 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 एंड वाई वाई कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि अब मेरे पास इसमें आया और ईयर और मंथ इस तरीके से आया। अब डेट में अब मैं अपने डेटा पे क्या करूँगा, जो हमारी कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड में हमारा क्या होगा, एक मिनट, कैलकुलेटेड इस तरह का एफएक्स का साइन आता है, इसको क्लिक किया और ये हाँ सेल्स पे क्लिक कर दिया, और फिर इसको हम अपना चार्ट या जो जिसमें डालना चाहते हैं उसमें आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है सर। तो ये कैलकुलेशन हम आज के हिसाब में हमें करना है। तो कैलकुलेशन में आज हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख ले, एक्सलेंट है, गुड, यहाँ पे एक्सलेंट है, गुड है, फेयर है एंड पुअर है। तो अभी क्या है कि इसमें टोटल सेल, टोटल इतना, मैं एक ये जो दिख रहा है आपको, एक कॉल्स, टोटल कॉल्स 358 किया गया है, राइट, और लेकिन उसमें से क्रॉस चेक सिर्फ 111 किया गया है। जैसे कि टेलीकॉलिंग, हेलो आवाज आ रही है सर, हेलो आवाज आ रही है आपको मेरी, ओ गलती से म्यूट हो गया लग रहा है। तो सर मैं बात कर रहा था कैलकुलेशंस की, जैसे कि आप एक नए कॉलम ऐड कर सको। अभी जैसे मैंने एक नया कॉलम ऐड किया, वो ऐड किया किसका, मंथ ईयर का। तो मंथ ईयर कॉलम ऐड करने से बेनिफिट ये हुआ कि हम यहाँ पे एक नया डेटा यहाँ पे ऐड कर, ये रिपोर्ट बना सके मंथ और ईयर के हिसाब से, समझे। तो जैसे कि हमारे पास फील्ड्स तो है, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ और फील्ड्स एनालिसिस के लिए चाहिए, वो कैलकुलेट करके हम ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट, मतलब इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, जो ये बेचा गया है, सिर्फ 22 क्वांटिटी बेची गई है, इसके लिए 358 कॉल्स किए गए थे,
लेकिन जो हमारा क्रॉस चेक टीम है, क्यूसी टीम है, जो कि कॉल्स को वेरीफाई करती है, मॉनिटरिंग करती है और सुनती है, तो रैंडमली वो कॉल्स को सुनती है। 358 में से सिर्फ 111 कॉल्स को सुनी गई थी। तो उसमें कॉल्स में एक्सलेंट कौन सा था, गुड कितना था, फेयर कितना था, वगैरह वगैरह। तो मुझे अब यहाँ पे दिखाना है कि भाई कितने परसेंट कॉल्स जो है वो सुने जाते हैं, मतलब कि क्यूसी की जाती है, क्यूसी रेट मुझे पता करना है। तो क्यूसी रेट के लिए 111 को 358 से डिवाइड करके परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है सर। तो इसके लिए हमने न्यू कॉलम यहाँ मॉडलिंग पे, होम के मॉडलिंग पे गया और न्यू कॉलम को ऐड किया। और इस न्यू कॉलम को ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यूसी रेट, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ टोटल डिवाइड बाय कॉल्स। ठीक है, और फिर इसका एंटर मार दिया। और इसको हमें मॉडलिंग में डेटा टाइप जो डेसिमल नंबर है इसके जगह पे मैं यहां पे इंटेक्स ट्रू फॉल्स वैल्यू यहां परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेता हूं। ओके, अब मैं अपने डेटा में ये देख सकता हूं कि भाई मंथ के हिसाब से हमारा क्या है। तो हमने मंथ और ईयर को सिलेक्ट कर लिया और इसके जगह पे हमारा एक और आता है क्यूसी रेट को सिलेक्ट कर लिया। अब क्यूसी रेट यहाँ पे सम है, मुझे सम नहीं चाहिए, यहाँ पे इसका एवरेज चाहिए, तो मैंने इसका यहाँ एवरेज निकाल लिया। तो ये हमने देखा, और इसको ये भी कर सकता हूँ, मैं इसको चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो हमें पता चल गया कि एवरेज हमारा 35% कॉल्स जो है क्यूसी की जाती है। ठीक है, हाँ, हमने कुछ नहीं किया। हम यहां पे देखिए, हमने क्या सबसे पहले क्या किया, न्यू मॉडलिंग पे जाके न्यू कॉलम को ऐड किया, राइट। अब इस न्यू कॉलम, हाँ, उसके बाद हमने यहाँ पे हाई टाइटल लिखा क्यूसी रेट, और यहाँ पे हमने लिखा टोटल डिवाइड बाय डेटा, मतलब कि हमें 111 जो हमारा आया था, 111 को डिवाइड करना था इसके टोटल कॉल से, हमने कर लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक्सीलेंट परसेंट चाहिए कि भाई टोटल 24 कॉल एक्सीलेंट किए गए थे, तो इसमें से कितने परसेंट, मतलब कि 24 डिवाइड बाय 11। तो हमने न्यू कॉलम में गया और यहां पे एक्सीलेंट के लिए ईएक्स रेट कर देता हूं, रेट, और यहां पे हमने सिंपल सा लिखा एक्सीलेंट, ईएक्स एक्सीलेंट डिवाइड बाय टोटल, और एंटर, और फिर मॉडलिंग में परसेंटेज डाल दूंगा। अब इसका इस्तेमाल हम अपने लोकेशंस पे आराम से कर सकते हैं। हाँ, वो अपने हिसाब से कुछ, ठीक है, तो हमने इसी तरह से डिवाइड मल्टीप्लाई सब कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूंगा कि भाई अवॉइड कॉल कितने हुए, मतलब कि कॉल्स इतने हुए, 111 हुआ तो अवॉइड कॉल्स कितने हुए, या कितना परसेंट कितने हुए। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, न्यू कॉलम पे जाएं, और जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि अवॉइड कॉल AW कॉल्स, और यहाँ पे हम कर दिया कॉल्स डिवाइड बाय टोटल, हमारे अवॉइड कॉल्स आ गए। ओके, तो कितने कॉल्स हमने अवॉइड किए उसका लिस्ट आपको यहां पे दिख रहा है।
तो इसमें अपने हिसाब से इसी तरह से जो है आप कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जैसे MRP हो गया और सेल्स आपके यहाँ पे सेल्स हो गया कि भाई 22 सेल्स हुआ 788 रुपए के हिसाब से। तो इसमें क्या है कि एवरेज पर पीस सेल 22 क्वांटिटी जो बेचा गया उसमें कई सारे प्रोडक्ट थे तो उसकी हमें 749 रुपये MRP डाल दिया पर पीस, ठीक है। तो इसका टोटल यहाँ पे टोटल रेवेन्यूज जो है इसमें नहीं है कहीं पे, देख रहा वो टोटल रेवेन्यूज पर रेवेन्यू पर आवर रेवेन्यूज नहीं है कहीं पे, तो आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जो फिलहाल कैलकुलेशन करना चाहते हो कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में आप प्लस माइनस जो आपके कैलकुलेशन का जो कैलकुलेटेड जो आपका ये होते हैं सिंबल्स होते हैं इसका है, हाँ प्लस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड और ये आपका डिवाइड आता है और ये हमारा पावर, पावर भी काम करता है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आप यहां पावर बीआई में अप्लाई कर सकते हैं। स्क्वायर निकालना होगा ना आपको, मान लीजिए स्क्वायर निकालना हो तो ठीक है, हाँ स्क्वायर क्यू सब निकाल सकते हैं, तो 64 पावर ऑफ 2, 64 पावर ऑफ 3 ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप अपने डेटा पे एक इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को एक बार डिसाइड कीजिए, अप्लाई कीजिए। क्लास में हम आपको लॉजिकल एंड और जो इसके फॉर्मुलेज है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है सर। हाँ हाँ सर, कमांड एंड नोट।